हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय में बाल बालिका 3 के लिए एडमिशन प्रक्रिया जारी है और इसके फॉर्म भरने का लास्ट डेट 18 जुलाई है, जो कि आज है। तो आप अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप जल्दी से आज के आज फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आज लास्ट डेट है, इसके बाद आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। और जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसकी आपकी जरूरत है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको उसको बनाना है, किसके नाम से बनाना है, किसके नाम से नहीं बनाना है, कौन सा वैलिड डॉक्यूमेंट है, कौन सा इनवैलिड डॉक्यूमेंट है, ये सारी बातें इस वीडियो में शामिल किया हूं। अगर आपने बाल बालिका के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए और पूरा देखिए और आप अपनी तैयारी को पूरा रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ऑनलाइन एडमिशन की तैयारी, यानी आपका जो ऑनलाइन एडमिशन होने वाला है उसके लिए आपको क्या तैयारी करके रखना है। तो सबसे पहले केवी बाल बालिका ऑनलाइन एडमिशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। ये वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है जिसके द्वारा आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चालू हालत में होना चाहिए, वर्किंग हालत में होना चाहिए, क्योंकि इसी पे आपको मैसेज आएगा, इसी पे आपका मेल आएगा कि आपके बच्चे का लॉटरी नंबर क्या आया है, आपका बच्चा सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये वर्किंग होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, मतलब आपका मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए, ईमेल आईडी खुद का होना चाहिए, किसी दुकानदार का नहीं होना चाहिए, किसी रिश्तेदार का नहीं होना चाहिए, घर में जो पर्सन है उनका हो सकता है, जो आपके जिम्मेदार पर्सन घर में हैं जो ये आपको सूचना दें उनका नंबर हो सकता है और उनका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप यूज कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज का कलर फोटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। आपके पास कलर फोटो दो पीस होना चाहिए, ज्यादा रहेगा तो और अच्छा है, लेकिन दो पीस कम से कम होना चाहिए। फोटो कैसा होना चाहिए, हाल फिलहाल का होना चाहिए, मतलब करंट का होना चाहिए, बहुत पीछे का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा जब 3 साल का था उस समय आपने फोटो खिंचा लिया था और वही फोटो आप यूज कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। अगर आपने वो फोटो यूज कर भी लिया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में तो भी आप दूसरा फोटो भी साथ में रखिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप वो फोटो यूज कर सकते हैं। अगर आपने जल्दी जल्दी में पुराना फोटो यूज कर लिया है तो आप नया फोटो खिंचा के साथ में रखिए, पहले वही पुराना फोटो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपने लगाया है वही यूज करिए, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये फोटो भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, यानी ब्लर नहीं होना चाहिए, फोटो जो है क्लियर होना चाहिए ताकि बच्चा पहचान में आए। जब आपके बच्चे से फोटो का मिलान हो तो बच्चा पहचान में आए कि हाँ ये उसी बच्चे की फोटो है, तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए फोटो ताकि बच्चे का मिलान आसानी से हो सके। नेक्स्ट है बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट नगर निगम तहसील से सक्षम अधिकारी जन एवं मृत रजिस्ट्रार द्वारा जारी होना चाहिए। आर्मी हॉस्पिटल रक्षा कर्मी के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज हो तो वह भी चल जाता है। तो जो नगर निगम से इशू होता है, जो तहसील से इशू होता है, या किसी स्टेट में जहां भी जो सरकारी प्रक्रिया है जन प्रमाण पत्र बनने का, उस प्रक्रिया के तहत जो भी जन प्रमाण पत्र बने होंगे वह वैलिड होंगे। साथ ही साथ आर्मी और रक्षा कर्मी के सर्विस रिकॉर्ड में अगर दर्ज है जन प्रमाण पत्र तो वह भी मान्य होंगे। नाम की स्पेलिंग और जन्म तारीख ऑनलाइन एप्लीकेशन से मैच करनी चाहिए। आप जो बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनमें नाम की स्पेलिंग और जन्म की तारीख जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उससे मैच होनी चाहिए, तभी यह वैलिड होगा, नहीं तो यह वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है एससी एसटी ओबीसी एनसीएल डीएस सर्टिफिकेट। ये क्या है, रिजर्व कैटेगरी के जो आपके सर्टिफिकेट हैं या दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में जानकारी है। तहसील या जिला से सक्षम अधिकारी तहसीलदार एसडीएम जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। तो एससी एसटी ओबीसी एनसीएल या डीएस सर्टिफिकेट कौन से मान्य होंगे, जो तहसील या जिला से सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए हों, जैसे कि तहसीलदार एसडीएम या जिला चिकित्सा अधिकारी। जिला चिकित्सा अधिकारी जो डीए का सर्टिफिकेट बनाता है इसलिए इसको इसमें शामिल किया गया है, तो वही ही वैलिड होंगे, वही ही मान्य होंगे। ये डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम का होना चाहिए। देखिए आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट किसके नाम का होना चाहिए, तो अगर आप रिजर्वेशन का कोई फायदा ले रहे हैं और आपने रिजर्वेशन को चुना है तो उसका डॉक्यूमेंट बच्चे का नाम का ही होना चाहिए, ये कन्फर्म कर लीजिए। लेकिन इसमें एक छूट दी गई है जिसे मैं आगे बताऊंगा आपको। एस सी एस टी ओबीसी एनसीएल का डॉक्यूमेंट यदि माता पिता के नाम से है तो फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन भी हो जाएगा, परंतु एडमिशन के 3 माह के अंदर बच्चे के नाम से बनाकर देना होगा। तो यही छूट मिलती है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि अगर माता पिता के नाम का कोई एस सी एस टी ओबीसी यानी रिजर्वेशन का कोई सर्टिफिकेट है तो उसे आप यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू से आपके बच्चे का एडमिशन भी हो जाएगा, लेकिन एडमिशन के 3 माह के अंदर आपको अपने बच्चे के नाम से
ये सर्टिफिकेट बना के स्कूल में जमा करना होगा। ओबीसी की जगह एसईबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं है जब तक कि आपके केवीआरओ ने इसके लिए अलग से नोटिस ना निकाला हो। तो जैसे ओबीसी की जगह एसईबीसी एक सर्टिफिकेट होता है जो कहीं कहीं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्य रहता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में यह मान नहीं है। अगर उस विशेष क्षेत्र के केवीआरओ ने इसके लिए अलग से नोटिस निकाल के अगर उसको वैलिड किया होगा तो मान्य रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जनरली यह मान्य नहीं होता है। EWS इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। तो EWS सर्टिफिकेट के बारे में क्या है? तहसील जिला से राजस्व अधिकारी तहसीलदार SDM द्वारा जारी होना चाहिए। तो EWS कौन सा मान्य है? आपके तहसील या जिला से जो राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जैसे कि तहसीलदार SDM द्वारा जारी हो, वही मान्य रहेगा। ये डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम से होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट किसके नाम से होना चाहिए? बच्चे के नाम से होना चाहिए। EWS माता पिता के नाम का भी मान्य होता है। तो EWS माता पिता के नाम से है तब भी यह मान रहेगा। अगर आपने EWS चुना है तो आपको EWS सर्टिफिकेट ही देना होगा। EWS के स्थान पर इनकम सर्टिफिकेट या BPL मान्य नहीं होगा। तो आप ध्यान देंगे कि अगर आपने EWS चुना है तो आपको EWS सर्टिफिकेट ही देना होगा। BPL सर्टिफिकेट या कार्ड तहसील जिला से राजस्व अधिकारी तहसीलदार या SDM द्वारा जारी होना चाहिए। BPL सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से होना चाहिए। BPL कार्ड माता पिता के नाम का होने पर बच्चे का नाम परिवार के सदस्य के रूप में शामिल होना चाहिए तथा इसमें जारी करने वाले का साइन और मुहर होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अगर BPL सर्टिफिकेट है तो वह तो बच्चे का नाम से होना चाहिए, लेकिन अगर कार्ड है तो कार्ड तो माता पिता के नाम से रहता है या घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके नाम से रहता है। तो अगर ऐसी हालत में कार्ड है आपके पास तो कार्ड में बच्चे का नाम कम से कम होना चाहिए और उसमें सक्षम अधिकारी का साइन और मुहर होना चाहिए। EWS BPL सर्टिफिकेट या कार्ड, अब इसके संबंध में कुछ जानकारी और है। अगर आपने BPL चुना है तो आपको BPL सर्टिफिकेट या कार्ड ही देना होगा। BPL के स्थान पर इनकम सर्टिफिकेट या EWS मान्य नहीं होगा। कमजोर आय वर्ग के लिए इनकम सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। अगर आपके KVSRO ने अलग से नोटिस निकालकर इसे मान्य किया है तभी यह मान्य होगा। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं लो इनकम ग्रुप में हूं तो क्या इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं? तो केंद्रीय विद्यालय इनकम सर्टिफिकेट को मान्य नहीं करता है। अगर किसी KVSRO ने जो KVS का रीजनल ऑफिस होता है उस रीजन के लिए अपने कोई अलग से नोटिस निकाला है तभी वह मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। लेकिन ऐसा ज्यादातर होता नहीं है, इसलिए इनकम सर्टिफिकेट केंद्रीय विद्यालय में मान्य नहीं होते हैं। एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पता लिखा हो मान्य है, जैसे बिजली पानी टेलीफोन का बिल, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, पासपोर्ट, पासबुक, गैस या LPG का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, क्वार्टर अलॉटमेंट ऑर्डर, क्वार्टर ऑक्यूपेशन मेमो ETC, मतलब इस टाइप के जो सरकारी डॉक्यूमेंट जिसमें किसी सक्षम अधिकारी का साइन और मुहर हो और आपका नाम और पता लिखा हो वह वैलिड होता है। तो इसमें आप कोई भी एक कागज जो आपके पास है ऐसा वो आप सबमिट कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। यह डॉक्यूमेंट माता पिता के नाम का ही होना चाहिए। सर्विस सर्टिफिकेट। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय देना होगा। वेबसाइट से प्रोफार्मा डाउनलोड करके उसे भरकर अपने इंचार्ज या विभाग के हेड से साइन एंड मोहर कराकर देना होगा। इससे आपकी प्रायोरिटी कैटेगरी वेरीफाई होती है। तो सर्विस सर्टिफिकेट जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको देना रहता है जो प्रायोरिटी कैटेगरी 1-4 तक आते हैं। अगर आप प्रायोरिटी कैटेगरी 1-4 के भीतर आते हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट देना होगा। सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का होता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भरेंगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट पे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट वाला भरेंगे। इसे भरकर साइन मोहर कराकर आपको देना रहेगा। इससे क्या होता है, आपने जो प्रायोरिटी कैटेगरी का लाभ लिया है उसका वेरिफिकेशन होता है कि आपने जो प्रायोरिटी कैटेगरी चुनी है क्या आप उसी प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं, इसका वेरिफिकेशन होता है। यह डॉक्यूमेंट माता पिता के नाम का ही बनता है, मतलब यह डॉक्यूमेंट उन्हीं के नाम से बनेगा जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे। चाहे माता गवर्नमेंट जॉब में होगी तो माता के नाम से बनेगा और पिता गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो पिता के नाम से बनेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या है? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका पिछले 7 साल में कितने ट्रांसफर हुए हैं उनका डिटेल एडमिशन के समय देना होगा। वेबसाइट से प्रोफार्मा डाउनलोड करके उसे भरकर अपने इंचार्ज विभाग के हेड से साइन एंड मोहर कराकर देना होगा। इससे बच्चे के एडमिशन के चांस ज्यादा होते हैं। अब देखिए आप पिछले 7 साल में कितना ट्रांसफर हुआ है, आपका जितना ज्यादा ट्रांसफर हुआ होगा
उतना ज्यादा आपके बच्चे को उसका लाभ मिलेगा, एडमिशन के चांस उसके ज्यादा होंगे। और सर्विस सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको दोनों एक साथ भरना है, दोनों को एक ही इंचार्ज या विभाग के हेड से साइन और मोहर करा कर देना है, इसलिए इसे अलग अलग समय पर मत भरिएगा। आप दोनों फॉर्म एक साथ भरिएगा और दोनों को ले जाके अपने ऑफिस में सबमिट कर दीजिए, ताकि आपके इंचार्ज या विभाग के जो हेड हैं वो साइन और मोहर करके आपको वापस कर दें और आप एडमिशन के समय इसे प्रस्तुत कर सकें। यह डॉक्यूमेंट माता पिता के नाम का ही बनता है, जैसा कि मैंने बताया सर्विस सर्टिफिकेट जैसे बनता है वैसे ही अभी बनता है। और इस संबंध में मैंने एक बड़ा पूरा वीडियो बना के रखा है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ साइन कराना है, कहाँ मोहर कराना है, कैसे डिटेल्स भरनी है, ये पूरा मैंने वीडियो डाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाकर वीडियो देखिए और अपने फॉर्म भरने का तरीका समझिए, ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप अच्छे से फॉर्म सही तरीके से भरकर एडमिशन के समय प्रस्तुत कर सकें। तो यह डॉक्यूमेंट भी माता पिता के नाम से यानी जो गवर्नमेंट जॉब में है उसके नाम से बनता है। डिस्टेंस सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं या बीपीएल में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं और आपका घर आपके केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर के अंदर आता है शहरी क्षेत्र में और 8 किलोमीटर के अंदर आता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो आप आरटी कोटा का लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपने आरटी कोटा का लाभ लिया है तो आपके फॉर्म में आया होगा कि आपको डिस्टेंस सर्टिफिकेट भी देना है। तो जिसके फॉर्म में आया है कि उसको डिस्टेंस सर्टिफिकेट देना है उसी को डिस्टेंस सर्टिफिकेट बनाना है, बाकी लोगों को नहीं बनाना है। क्योंकि जो आप फॉर्म भरे हैं उस फॉर्म में आपको लास्ट में जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे थे तो वहां एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट आई थी, उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट के अनुसार ही आपको डॉक्यूमेंट देने हैं। बस उसमें आपको आधार कार्ड और ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट जोड़ना है, बस दो डॉक्यूमेंट और जोड़ने हैं जो है ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। तो अगर आपका उसमें आया है आरटी कोटा और आपसे डिस्टेंस सर्टिफिकेट मांगा गया है तो आपको एक डिस्टेंस सर्टिफिकेट भी देना होगा जो कि दूरी का प्रमाण पत्र होता है, और इसे वेबसाइट से प्रोफार्मा डाउनलोड करके उसे भरकर खुद यानी माता पिता साइन करके देना होगा, इसके बिना आरटी कोटा का लाभ नहीं मिलेगा। तो वेबसाइट पे सभी चीज का प्रोफार्मा है, डिस्टेंस सर्टिफिकेट का भी प्रोफार्मा है, उसे डाउनलोड करके आपको खुद से भर देना है और खुद से ही साइन कर देना है, माता या पिता को किसी एक को नीचे साइन कर देना है, बस आपका डिस्टेंस सर्टिफिकेट बन गया और उसको ओरिजिनल ही जमा कर देना है। यह डॉक्यूमेंट बच्चे का नाम का बनता है और माता या पिता के द्वारा बनाया जाता है, तो यह बच्चे का नाम से बनता है, इसमें लिखा रहता है बच्चे का नाम और सन ऑफ लिखा रहता है और उसके बाद इसे माता पिता द्वारा बनाया जाता है। ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय केवल ब्लड ग्रुप भरना होता है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय देना होता है, यह डॉक्यूमेंट बच्चे का नाम का ही बनता है। आधार कार्ड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय केवल आधार कार्ड नंबर भरना होता है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आधार कार्ड एडमिशन के समय देना होता है क्योंकि इसी से आपके बच्चे का ऑनलाइन फीस पेमेंट की आईडी बनती है। तो आधार कार्ड इसीलिए जरूरी है कि जो आपका ऑनलाइन फीस पेमेंट की आईडी बनती है वो आधार कार्ड के द्वारा ही बनती है, तो इसलिए आधार कार्ड जरूरी हो जाता है। इसे आप आगे पीछे भी दे सकते हैं, इसे अगर आपके पास तुरंत नहीं है तो आपको समय दिया जाएगा, आप बाद में भी जमा कर सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम का ही बनता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आज 18 तारीख है और आज लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज के आज कर दीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए, वेबसाइट का एड्रेस मालूम होना चाहिए, बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट और फोटो होनी चाहिए, सभी कोटा तथा कैटेगरी की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास इतनी जानकारी नहीं है तो हमारे चैनल पर आइए और हमारे चैनल की वीडियो देखिए और तुरंत ही वीडियो देखकर आप फॉर्म भर दीजिए। अगर वैसा भी संभव नहीं है तो आप किसी दूसरे से भरवा लीजिए जो जानकार है, जो फॉर्म भरते हैं उनसे भरवा लीजिए, लेकिन आज लास्ट डेट है, आज के आज आप फॉर्म भर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।